सो हाय एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं ये आज की न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कैबिनेट की बैठक आज, स्कूल संचालन पर फैसले की उम्मीद। मतलब कि दोस्तों क्या आपका 2022 में स्कूल खुलेगा या नहीं खुलेगा, इसके बारे में आज चर्चा है दोस्तों इसका। तो मैं बता देता हूँ इस न्यूज़पेपर के माध्यम से कि आपका स्कूल खुलेगा या नहीं खुलेगा, कैसे सारी चीज़ें होंगी 2022 में, ठीक है। आपका जो शैक्षणिक सत्र है तो सब चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगा आपको, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो कि भूपेश बघेल जी, उनकी अध्यक्षता में दोस्तों आज मंगलवार को जो सीएम हाउस में दोस्तों आज कैबिनेट की बैठक है, सारे मंत्री आ चुके हैं। दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा ये मुद्दा रहेगा कि दोस्तों इस साल 2022 में स्कूल खुलेगा या नहीं, यही बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और दोस्तों कि उच्च से जो पदस्थ मतलब कि बड़े अधिकारियों से यहाँ से सुनने को मिला है दोस्तों कि राज्य सरकार इस मामले में अपनी ओर से कोई निर्णय लेने की बजाय केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार निर्णय लेगी। मतलब केंद्र राज्य सरकार भी केंद्र सरकार को ही फॉलो करेगा, यहाँ ऐसे ही चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। और साथ ही दोस्तों इस जो बैठक में बहुत सारे राज्य के तमाम बड़े जो मुद्दे हैं उन पर भी यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ सभी मंत्री आ चुके हैं दोस्तों, रायपुर राजधानी में आ चुके हैं, ठीक है। और उनमें सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा दोस्तों आज का, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा दोस्तों इस मीटिंग का, तो उसमें सबसे अहम मुद्दा रहेगा जिसमें सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने का यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, ठीक है। सो फाइनली यहाँ पर बताया गया है, तो इस मामले से संबंधित फाइलें जो हैं दोस्तों कि स्कूल खुले या नहीं खुलेगा, इसके जो फाइलें हैं वो पहले ही हमारे जो मुख्यमंत्री जो कि भूपेश बघेल जी हैं उनके कैबिनेट में पहुंचा दिया गया था, उनके कार्यालय में भेज दिया जा चुका है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ और एक चीज़ है कि दूसरी ओर यह बात भी कि सामने आ रही है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने स्कूल खोलने के संबंधित जो मामले हैं उसको क्या कर दिया है, राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया है दोस्तों, राज्य सरकार ऊपर सौंप दिया है। लेकिन इस कारण से दोस्तों जो मध्य प्रदेश और हरियाणा में 11वीं 12वीं की जो पढ़ाई वो चल रही है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कि दूसरी ओर निजी स्कूलों के संचालकों की ओर से, मतलब जो निजी स्कूलों के जो भी संचालक हैं जो उनको चला रहे हैं उनकी ओर से दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग को सुझाव दिया गया है, ठीक है, दिया गया है कि जिन जिलों में संक्रमण दर कम है, कोरोना के केसेस बहुत कम है या शून्य है, वहाँ स्कूल खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। मतलब कि दोस्तों जो प्राइवेट स्कूल हैं, ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल हैं उन प्राइवेट स्कूलों के जो संचालक हैं, जो भी प्रिंसिपल है या उनके जो भी डायरेक्टर हैं, उनका दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग को यह सुझाव दिया गया है कि स्कूलों में भैया कोरोना के संक्रमण के दर बहुत कम है, जहां कोरोना बहुत के केसेस बहुत कम है या बहुत शून्य है, वहां पर स्कूल खोलने की अनुमति देनी चाहिए, यही प्राइवेट स्कूलों के संचालकों का कहना है, ठीक है जी। जो कि आज उनका बैठक है तो निर्णय आज शाम तक आ जाएगा, तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊँगा तो उस स्कूल खुलेगा या नहीं खुलेगा, कैसे होगा 2022 में शैक्षणिक सत्र, तो उसको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो फाइनली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब चीज़ें बताऊंगा। फाइनली यहां पर यही चीज़ है दोस्तों कि आपका 2022 में स्कूल खुलेगा या नहीं खुलेगा वो आज मंगलवार को दोस्तों पता चल जाएगा। आज सीएम हाउस में दोस्तों उसका बैठक है कैबिनेट का, राज्य सरकार का, तो उसमें पता चल जाएगा कि भूपेश जी जो हमारे सीएम हैं उनका क्या है निर्णय। तो चलिए जानेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेंबर्स में जितने भी लोग हों वो उनको भी पता चल जाए कि स्कूल खुलेगा या नहीं खुलेगा। तो सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।